नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं व्हाट्सएप की एक ऐसी नई ट्रिक के बारे में जिसका दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों आपने देखा होगा कि हम किसी न किसी को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देते हैं किसी न किसी वजह से। बट दोस्तों, जब हमारी जो क्लियर चैट हो जाती है तो जो हमारी ब्लैक लिस्ट में डले होते हैं दोस्तों, ब्लॉक लिस्ट में डले होते हैं, तो उनको उनका दोस्तों हमें पता ही नहीं होता कि हमने किन किन लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाला है और दोस्तों कौन कौन से नंबर हैं जो हमारी ब्लॉक लिस्ट में है व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरा बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि अगर आपने किसी को व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया है एक से ज़्यादा लोगों को, और दोस्तों आपने अपने फ़ोन को क्लियर चैट कर दिया है या फिर व्हाट्सएप का जो क्लियर वो दोस्तों क्लियर जो इंटरफेस होता है वो आपने क्लियर कर दिया है, तो दोस्तों आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल में व्हाट्सएप में दोस्तों किन किन लोगों का नंबर ब्लैक लिस्ट में डला हुआ है, जिससे दोस्तों आपको पता लग सके कि हाँ आपने इन लोगों को दोस्तों ब्लॉक किया है, इस वजह से दोस्तों ये लोग आपके मैसेज नहीं कर पा रहे हैं और आपने इनको ब्लॉक किया है। दोस्तों सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन व्हाट्सएप ओपन करना है। अब मैं आपको दिखा दूँ, मुझे देखिए मेरे फ़ोन दोस्तों देखिए ये नंबर ब्लॉक लिस्ट में है। मैंने सिर्फ जो आपको एग्जाम्पल करने के लिए दिखाया है। और दोस्तों दूसरा देखिए ये नंबर ब्लॉक लिस्ट में है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है यू ब्लॉक दिस कॉन्टैक्ट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर बाई चांस आपका व्हाट्सअप जो क्लियर हो जाता है, जैसे मान के चलो आपने जो ब्लैक लिस्ट में नंबर डले हुए हैं आपने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया इन दोनों को, यहाँ से डिलीट कर दिया, दोस्तों अब आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपने किन किन लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है। क्योंकि दोस्तों मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाया है, बट जब आप दोस्तों ज़्यादा लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हो और यहाँ से दोस्तों वो बाई चांस रिमूव हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपने किन किन लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है और आपको दोस्तों इस बात का अंदाजा नहीं होता। तो आप दोस्तों कैसे पता लगा सकते हो, आपको क्या करना है, आपको दोस्तों थ्री डॉट पर जाना है और यहाँ जाने का दोस्तों आपको जाना सेटिंग पर जाने का दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन आ रहा है अकाउंट वाला, ऊपर वाला ही सबसे ऊपर वाला, आपको इस पर जाना है और यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको प्राइवेसी पर जाना है और यहाँ देखिए दोस्तों नीचे आ रहा है ब्लॉक कॉन्टैक्ट एक ऑप्शन, ये देखिए जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपने जिन लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाला था वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। ये देखिए दोनों नंबर हैं, क्योंकि वहाँ से तो आपने रिमूव कर दिया, अब आपने 5-6 लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और वो वहाँ से डिलीट हो गए, तो दोस्तों हमें पता ही नहीं होता कि हमने किन लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाला है, क्योंकि जब वो लोग वहाँ पर व्हाट्सएप पर दिखते हैं तब तो पता लग जाता है, उसमें मैसेज बना हुआ आता है इस तरह से कि यू ब्लॉक दिस कॉन्टैक्ट, बट वो डिलीट हो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं होता। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो, आपको सेटिंग के अंदर आना है प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे और इस तरीके से दोस्तों आपने जिन लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाला होगा वो सब यहाँ पे शो होने लगेंगे। और दोस्तों अगर आपको उन्हें रिमूव करना है तो आपको यहीं से रिमूव हो जाएगा, आपको यहाँ पर टच करना है और जैसे ऑप्शन है अनब्लॉक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देखिए अनब्लॉक हो चुका है। तो आप इसी तरीके से किसी को भी ब्लॉक करने के बाद अगर आपको पता नहीं है किसने लोगों को ब्लॉक किया है तो आप यहां से पता लगा सकते हो और रिमूव अनब्लॉक करना चाहो तो अनब्लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप की मेनू में जाके पता लगा सकते हो कि आपने किन किन लोगों के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है और कैसे दोस्तों उन्हें रिमूव कर सकते हो या उन्हें देख सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।